बदलन दे नाल कुदरत भी रंग बदलती रहती है। मन उत्ते इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पैंदा है। जब मन खुश हुंदा है तां कुदरत रंगीन लगती है, जब मन उदास हो जाता है तां ये कुदरत भी बहुत गमगीन लगती है। कुदरत अते मन दे आपसी रिश्ते विच्चों बहुत सारा साहित्य भी रचया गया है। इसे तरह का एक साहित्य रूप है बारहमाह। खट रुत्तां बारहमाह महीनिया अते रुत्तां इहदा साहित्य विच की भाव बनता है? रविंद्र जी, पहली गल यह है कि जिहड़ा साहित्यकार हुंदा है वो अपने अनुभव के प्रगटावे दे वास्ते जिथे भाषा का इस्तेमाल करता है उत्थे साहित दीआं कुछ विधावां हुंदीआं ने, एक अंदाज हुंदा है गल कहण दा। इस पक्ष तों जे असीं देखदे हां तां साडे भारतीय साहित्य दे विच महीनिआं नाल ते रुत्तां नाल संबंधित एक बहुत प्राचीन काव्य रूप है जिन्हों असी ऋतु वर्णन भी कहने हैं, ते षट ऋतु वर्णन भी। षट ऋतु का मतलब हुंदा छे रुत्तां, ते इहदा मतलब है कि जिहड़ा मौसमां दे अंदर जो तब्दीली वापरदी है उस नूं आधार बना के एक खास किस्म की कविता जिहड़ी है वह होंद विच आई। ते इस कविता की एक अपनी विलक्षणता है, मनुखी मन दे उपर आल दुआले दा मौसम दा वातावरण दा बड़ा डूंघा प्रभाव पैंदा। ते जदों बंदा अपने मन दे भावां नूं पेश करदा उस पेशकारी दे विच वी खास तरह दी जिहड़े विधावां जिहड़ियां ने उह विकसित हुंदियां ने। इस तरह इस कह सकदे हां कि षट ऋतु वर्णन जां खट ऋतु वर्णन, ये दोवें लफ्ज़ पंजाबी च प्रचलित ने, क्योंकि षट लफ्ज़ जिहड़ा ना वह संस्कृत है, ते जिहड़ियां भारतीय भाषावां ने उहदे च उहनूं खट ऋतु जां छे रुत्तां दा वर्णन कहिंदे आ। और बड़ी दिलचस्प गल इह है कि महीने 12 ने ते रुत्तां 6 ने, इह साडी भारतीय परंपरा विच है। पछम दे विच असीं आदि इस गल दे कि 4 ही रुत्तां ने, गर्मी सर्दी बहार ते पतझड़, पर भारतीय वातावरण दे विच भारतीय कैलेंडर दे मुताबक जिहड़ा साडे लोकां ने इह 6 रुत्तां मन्नियां ने, ते इसे नूं ही साहित्यक प्रगटावे दा आधार बनाया है। और जिहड़ा बारहमाह है, बारहमाह दे विच वी 2-2 महीने दी इक रुत्त दा वर्णन चलदा है। ते इह मैं समझदा कि पंजाबी साहित्य दे विच और भारतीय साहित्य दे विच इक सांझ है कि जिहड़ा कालीदास दे समें तों षट ऋतु वर्णन कालीदास ने लिखिया सी, ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ऋतु वर्णन नूं रुत्ती दे पक्ष दे पेश कीता गया। ते फिर 2 12 माहे ने जिहड़े 2 वख-वख रागां विच लिखे गए ने, 12 माह माझ, माझ राग दे विच 12 माह रचिया गया, ते 12 माह तुखारी, तुखारी राग दे विच। इस तरह जिहड़ा रुत्तां दे नाल जुड़िया होया इह साहित्यक रूप है, इहदी जिहड़ी परंपरा है उह क्लासिकल दौर तों चली आई है, ते गुरुबाणी दे विच इस दा प्रचलन। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਾਮਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਗਮੇਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ,
और कदों तो जिहड़ा मन दे भाव इस कुदरत दे नाल जदों असीं सांझे करदे हां रुत्तां दे नाल जुड़ गए ते रुत्तां तो बाद महीनियां दे विच आ गई ते किन्ना कु पुराना इह सिलसिला है। जदों आपां संस्कृत साहित नूं वेखदे हां तां उत्थे कालीदास जी दी जिहड़ी रचना है ऋतु संहार, वो सब तो पहली ऐसी रचना है जिन्हां दे विच के महीनियां दा आपां नूं वर्णन मिलदा है। अपरपरंस साहित दे विच अब्दुल रहमान जी दा संदेश रासक अपना जिहड़ी एक रचना है उहदे विच आपां नूं महीनियां दा वर्णन मिलदा है, परंतु जिहड़ी सुतंत्र रूप दे विच सानूं रचना मिलदी है वह अकबर जी दे गंग भट्ट दे कोलों सानूं अपना एक सुतंत्र रूप दे विच 12 माहां दी 12 महीनियां दी अपना एक अजिही रचना मिलदी है। तो पंजाबी दे विच गुरु नानक देव जी की रचना है तुखारी राग दे विच, ते जिहड़ा कि एक 12 माहां श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा है। तो इस तरह ही उस तो अगे चल के गुरु अर्जन देव जी ने माझ राग दे विच एक 12 माह लिखा है, परंतु इस तो बिना भी जेकर आपां वेखीए ये जिहड़ियां रचनावां ने इन्हां दा एक अध्यात्मक भाव है। गुरु साहिबान ने जिवें कि संचार जुगत वजों अपने जिहड़े भाव ने वह प्रगट करन वास्ते भारतीय शास्त्रीय संगीत दे जिहड़े उदों क्लासीकल रूप प्रचलित सन ध्रुपद धमार उन्हां दी वरतों कीती है, सानूं अष्टपदियां दे रूप दे विच मिलदे ने, होरी दे विच मिलदे ने, पड़तालां दे रूप दे विच मिलदे ने। इस तरह उस मौके गुरु साहिबानां दे समें जिहड़े के लोक काव्य प्रचलित सन वह भी उन्होंने अपने जिहड़े भाव से उन्होंने प्रगटावे लई वरते ने। बहुत सारे लोक काव्य ऐसे ने जिवें कि अलौणियां ने, सोहिला है, थिथियां ने, बारां है, रुत्ती है, इस तरह का एक रूप है जिहड़ा कि उस मौके प्रचलित सी खट रितु। तो इस दी भी गुरु साहिबान ने अपने जिहड़े भाव ने जीव नूं परमात्मा दे नाल जोड़न वास्ते इस रूप की इस काव्य रूप की वरतों की है 12 माहे की। कालीदास ने जो रुत्तां दा वर्णन किया है भी उहदे विच और 12 माह जिहड़ा प्रॉपर असीं इहनूं मानदे हां कि गुरु नानक देव जी ने जदों पंजाबी विच लिखिया इहदे रूप दे विच कुछ किन्ना क फर्क आ गया। कालीदास जी दे समें तो जिहड़े आपां नूं खट रितु दे विच एक वर्णन मिलता है विशेष दे पक्षों उन्हां दे विच ज़्यादातर जिहड़ा जोर दिता गया वह नायक ते नायिका दा एक संबंध है जिहड़ा कि ज़्यादा आपां नूं संसारिक एक जिहड़ी संसारिक जिहड़ी अपना मतलब संसारिक पद्धर ते नायक ते नायिका दे रिश्ते ने उन्हां नूं उजागर करदा है। उन्हां दी दृढ़ता वास्ते उन्हां दा जिहड़ा अंदरला प्रेम प्यार है बिरहों दी जिहड़ी अवस्था है उहदे वर्णन वास्ते वह जिहड़े ने खट रित दे विच वर्णन सानूं मिलदा है। परंतु 12 माह जिहड़ा गुरु साहिबान ने लिखिया उहदे विच सब तो वड्डा अंतर इहो ही आया है कि जिहड़ी नायिका है नायिका सिर्फ इस्त्री नूं नहीं मन्निया, सारे जितने पुरख ने जितने इस्त्रियां ने संसार दे विच उहनां सारियां नूं नायिका मन्निया गया है। तो जिहड़ा नायक है महानायक वह सृष्टि का रचनहारा है परमात्मा है, बस इन्ना ही ये 12 माह दे विच सानूं एक बहुत वड्डी तब्दीली मिलदी। गुरबाणी दे विच जदों गुरु नानक देव जी ने इस मॉडल नूं अपने बाणी दे विच लिया है तां नायक नायिका दे संकल्प नूं उन्होंने किवें तब्दील किया है, किवें बदलिया और किहड़ा संदेश उहदे विचों देना चाहुंदे सी? मैं समझदा कि यह जिहड़ा फर्क है ना यह बुनियादी है, क्योंकि गुरबाणी की समुची जिहड़ी भावना है वह लौकिक जीवन नूं पेश करन दे लई उन्होंने अध्यात्मक अर्थां नूं मुख रखिया, तो अध्यात्मक अर्थां नूं पेश करन दे वास्ते जिहड़ी जुगत वरती है वह लोक दी वरती है। मतलब है कि जिहड़ा कालीदास दा ऋतु वर्णन है उहदे विच नायक ते नायिका समाजिक जीव ने, वह जीवन दे नाल संबंधित विशेष व्यक्ति ने, जदों कि गुरबाणी जिहड़ी है इस रूप नूं इस्तेमाल करदी है एक विधि दे तौर ते। मतलब उन्हां दा मनोरथ किसे विशेष मनुख भावें पुरख है ते भावें नारी है, उन्हां दे नारी ते पुरख दी जिहड़ी विशेष शख्सीयत है उहदा उहदे हुसन दा वर्णन नहीं है जां उहदे मनोभावां नूं प्रगट करन दी गल नहीं है, बल्कि जिहड़ी साडी परंपरा दे विच इह नायक ते नायिका दा जिहड़ा जज्बाती रिश्ता है उस नूं इक माध्यम दे तौर ते वरतदे ने कि बंदे ते खुदा दा जां बंदे ते रब दा जिहड़ा भावक रिश्ता है उहदे वास्ते वो लौकिक जीवन दे जिहड़े साडे जज्बात ने
उन्हां नूं एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हां नूं एक जबान बनाते हैं। तो ये गल मैं समझदा कि सारी गुरबाणी दे विच ही सानूं दिखदी है कि गुरबाणी एक अजीब तरह का चमत्कार है। ये क्लासिकल ते फोक इन्हां दोहां नूं ट्रांसेंड करती है। ये अंदर तुसीं देखोगे कि जिवें जगमेल सिंह होरां ने कहा कि जिहड़े लोक काव्य रूप ने उन्हां दी वरतों है, वो लोक काव्य रूपां दी वरतों माध्यम के तौर पर है, मनोरथ के तौर पर नहीं। उन्होंने जे लोक काव्य दीयां जुगतां वरतियां ने उहदे विच जिहड़ा विशा वस्तु है वह तो अध्यात्मक है। तो ये क्यों वरतियां ने? कारण यह है कि गुरबाणी जिन्हें भी साढ़े मध्यकाल के संत ने, सूफी ने, फकीर ने, गुरु साहबान ने, उन्होंने सामने भारतीय लोक मन नूं जागृत करना है। तो लोग मन नूं जागृत करने दे वास्ते लोक जीवन दे नेड़े दीयां जुगतां नूं उन्होंने अपनाया। उन्हां दी वस्तु तां रूहानी है, पर उस वस्तु नूं प्रगट करन दा जिहड़ा ढंग तरीका है वह लोक जीवन के बहुत नेड़े है। तो बारहवां ऋतु वर्णन ये लोगों में प्रचलित काव्य रूप ने, उन्हां रूपां नूं लैके जिहड़े उन्हां दे बहुत नेड़े हो के जिहड़े विचरदे ने, ये रूप उन्हां दे विच उन्होंने अपनी रूहानी वस्तु भर दित्ती। तो उन्हां दी अंतरात्मा दे अंदर जिहड़ा रूहानीयत दा प्रकाश फैलाउण दे लई ये जतन उन्होंने किया, ये एक बुनियादी फर्क हैगा। सावन सर सी कामणी चरण कमल से ओ प्यार मन तन रता सच रंग इको ना Bye.